जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है वह फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स के नाम से है। इसमें कुल 4 यूनिट हैं। फर्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। सेकंड है डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। थर्ड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। और फोर्थ है यूनिट है लेजर्स। तो आज हम लेजर के बारे में बताएंगे। लेजर जो शब्द है इसमें अक्षर हैं एल ए एस ई आर। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का हिंदी अर्थ हुआ विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक डिवाइस है। लेजर इज ए डिवाइस। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा हमें तीव्र प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, उच्च कला संबद्ध प्रकाश, समांतरित प्रकाश एवं एक दिशीय प्रकाश उत्पन्न होता है। लेजर इज ए डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन प्रोड्यूस इंटेंस लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाईली कोहेरेंट लाइट, वन डायरेक्शनल लाइट। लेजर किरणें, लेजर रेज एक वर्णी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। एक वर्णी का मतलब एक रंग की होती है, एक तरंग दैर्ध्य की होती है। लेजर किरणें, लेजर रेज उच्च कला संबद्ध होती हैं और लेजर किरणें एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। लेजर किरणों के बहुत से उपयोग हैं, बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे लेजर किरणों के द्वारा हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नाप सकते हैं। लेजर किरणों द्वारा हीरा डायमंड में छिद्र किया जा सकता है, उसमें छेद किया जा सकता है, ड्रिल किया जा सकता है। तुम जानते हो डायमंड बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, उसमें ड्रिल करना आसान नहीं है। लेकिन लेजर किरण द्वारा हम
ड्रिल कर देते हैं। जितने मेटल्स हैं, धातुएं हैं, उनको उनमें भी हम छेद कर सकते हैं। धातुओं को हम जोड़ने के लिए लेजर किरण का उपयोग करते हैं, उसको लेजर वेल्डिंग कहा जाता है। हम धातुओं को जोड़ सकते हैं लेजर किरणों द्वारा। शत्रु, जो कोई हमारा शत्रु है, उसका जो मिसाइल है, हम उसको पहचान सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं लेजर किरण द्वारा। ये जो किडनी स्टोन होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। किडनी स्टोन, गुर्दे का पथरी, लेजर किरण द्वारा आंख से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे मोतियाबिंद है, तो उसका भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं लेजर किरण के द्वारा बहुत थोड़े समय। आजकल लेजर राइफल बना है, लेजर पिस्तौल बना है, लेजर बम बना है। लेजर रेज द्वारा हम चाहें तो अपने घर में बैठे रहें, और अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा है या हमारा कोई वहां पे शत्रु है, तो हम उसको यहीं से देख भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो लेजर किरणों का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, यूज भी है और मिस यूज भी है। लेजर जो है, ये चार प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सॉलिड स्टेट लेजर, दूसरे को कहते हैं लिक्विड लेजर, तीसरे को कहते हैं गैस लेजर, और चौथे को कहते हैं सेमी कंडक्टर लेजर। रूबी लेजर सबसे पहले बनाया गया था, रूबी लेजर। बाद में और भी लेजर बने, जैसे हीलियम नियॉन लेजर। तो ये जो लेजर है, लेजर वास्तव में एक डिवाइस है, और इससे लेजर किरणें निकलती हैं, लेजर बीम्स निकलते हैं, लेजर पुंज निकलते हैं, लेजर प्रकाश निकलते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट जो होती है वो साधारण लाइट से विशिष्ट है। साधारण लाइट में, साधारण प्रकाश में कई रंग के प्रकाश होते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। ये जो व्हाइट लाइट है, सफेद प्रकाश, इसमें सात रंग के प्रकाश हैं। ब, नी, आ, ह, पी, ना, ला, विव ग्योर। लेकिन लेजर प्रकाश में केवल और केवल एक ही प्रकार का प्रकाश होता है। जैसे मान लिया लाल प्रकाश है, तो उसमें सारे कण जो फोटॉन होंगे वे लाल रंग के होते हैं, और इनका जो वेवलेंथ होता है समान होता है। सिंगल वेवलेंथ, एकल तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है लेजर प्रकाश। लेजर रेस का उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है। तो लेजर के बहुत से उपयोग हैं, ये तो हमने बहुत थोड़े से उपयोग के बारे में बताया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में,
और विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च के क्षेत्र में लेजर का उपयोग होता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मीन्स अणु का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना ज्ञात करने में लेजर किरण का उपयोग करते हैं। किसी मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूल में जो रासायनिक बंध है वो किस प्रकार का है, इसकी भी जानकारी हमें होती है लेजर किरणों के माध्यम से। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लेजर किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, जब लेजर किरणें हम उत्पन्न करते हैं तो उसमें कई प्रोसेस होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तीसरा होता है स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं तब जाकर के लेजर रेज उत्पन्न होती है। लेजर रेज मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली इंटेंस होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और हाईली कोहेरेंट होती है। तो लेजर रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है और लेजर कितने टाइप्स के हैं इसके बारे में पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स या एप्लीकेशन ऑफ लेजर रेज इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी मैंने बताया कि जो लेजर शब्द है LASER, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसका हिंदी अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण को अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं, उद्दीपित उत्सर्जन को अंग्रेजी में स्टिम्युलेटेड इमिशन कहते हैं, प्रवर्धन को अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो ये जो लेजर किरणें हैं इनके कई उपयोग हैं, डायमंड में छेद करने में, धातुओं में छेद करने में, धातुओं दो धातु के टुकड़े को जोड़ना है उनको जोड़ने में, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी नापने में, या लंबी दूरियां नापनी हो तो लंबी दूरियां नापने में, किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर और ब्रेन का ऑपरेशन करने में भी लेजर रेज का उपयोग किया जाता है।